स्वागत है। कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारियों को प्राप्त करने और राज्य की कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। इस दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जितना अधिक रिस्क उतना अधिक रिवॉर्ड, यानी कि मुनाफा। बिना जोखिम के मुनाफा कमाना आसान नहीं है। मनुष्य जीवन भी जोखिम है। एक इंसान अपने जीवन में कई जोखिम उठाता है। जोखिम और मुनाफे के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए बीमा करवाने की व्यवस्था का जन्म हुआ। एक किसान के द्वारा बोए जाने वाले बीज के पीछे कई अदृश्य जोखिम होते हैं, जैसे कि वर्षा का कम होना, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, जल प्लावन, बाढ़, आंधी, तूफान इत्यादि। इसलिए किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा में जोखिम, प्रीमियम की गणना और अनुदान राशि के बारे में बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा भाग एक में हमने आपको अधिसूचित जिले, अधिसूचित फसलें, दस्तावेज, योजना में शामिल होने और पृथक होने की प्रक्रिया के बारे में बताया था, तथा जिलेवार इंश्योरेंस कंपनियों के नाम भी बताए गए। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप भाग नंबर एक को देखें। इस वीडियो में हम आपको किन किन परिस्थितियों में फसल खराब होने पर क्षतिपूर्ति या मुआवजा मिलता है, कितना मुआवजा मिलता है, प्रीमियम की दर क्या है, ये बताएंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। जोखिम की परिस्थितियाँ। सबसे पहले परिस्थिति जिसमें किसान बुआई कर ही नहीं पाता है। कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियाँ इसका कारण हो सकती हैं। इस स्थिति में किसान को मुआवजा दिया जाएगा। ये कंडीशन सिर्फ खरीफ में अधिसूचित फसलों पर लागू हैं, रबी और बागवानी फसलों के लिए नहीं। बुआई से लेकर कटाई तक के अंतराल को खड़ी फसल कहते हैं। जल भराव, सूखा, आंधी, तूफान, बाढ़, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन के कारण नुकसान होने पर किसान को मुआवजा मिलता है। फसल कट जाने के बाद फसल को सुखाने के लिए खेत में फैला कर रखा जाता है। इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर मुआवजा मिलता है। व्यक्तिगत आधार पर मुआवजा मिलने की स्थितियाँ। किसी किसान के खेत में बिजली गिरने से आग लगकर फसल के नष्ट होने, बादल फटने, पानी के तेज बहाव में फसल नष्ट होने और मिट्टी के कटाव से फसल नष्ट होने पर व्यक्तिगत आधार पर मुआवजा दिया जाता है। प्रिय किसान भाइयों, उपरोक्त कारणों में फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाता है। उत्पादन का आधार फसल कटाई प्रयोगों को माना गया है। प्रत्येक राज्य सरकारें प्रति वर्ष फसल कटाई प्रयोगों को संपादित करवाती हैं। फसल कटाई प्रयोग से तात्पर्य यह है कि पूरे राज्य के गांवों के कुछ किसानों के फार्मों पर संबंधित कृषि पर्यवेक्षक एवं पटवारी के द्वारा फसल कटाई प्रयोग करके उत्पादन का आकलन किया जाता है और एक अनुमान लगाया जाता है कि अमुक क्षेत्र के अंतर्गत कितना उत्पादन हुआ है। यदि किसी वर्ष फसल खराब हो जाती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष में हुए उत्पादन को आधार माना जाता है तथा उत्पादन का 80% बीमा किसानों को दिया जाता है। प्रीमियम की गणना। किसान भाइयों, खरीफ की फसल के लिए बीमित राशि का 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम राशि को वसूल किया जाता है। ये कंपनियां सिंचित क्षेत्र में अधिकतम प्रीमियम राशि 25%, जो कि बीमित राशि का होता है, और असिंचित क्षेत्रों में 30% तक ले सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि माना कि जोधपुर जिले में फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस इंडिया कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की कि वो अधिसूचित फसल बाजरा के खराब होने पर ₹20,000 का बीमा कवर देगी, तो फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस इंडिया कंपनी लिमिटेड ₹20,000, जो कि बीमित राशि है, इसका 2% प्रीमियम 4 महीने की अवधि के लिए किसानों से वसूल करेगी। इसी प्रकार रबी के लिए 1.5% तथा बागवानी फसलों के लिए 5%। ध्यान रहे किसान भाइयों, टीड को प्रधानमंत्री फसल बीमा
योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिसमें फसल खराब होने पर मुआवजा नहीं दिया जाता। ऐसे कारण इस प्रकार हैं, यदि युद्ध, परमाणु खतरा, शरारती तत्वों के द्वारा जानबूझकर फसल को नष्ट किया जाता है तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इतना ज्ञान होना आपके लिए पर्याप्त है। इससे अधिक जानकारी की यदि आपको आवश्यकता है तो आप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए निर्गत परिचालन मार्गदर्शिका को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं।